की रफ्तार तबाही वाला तूफान। गुजरात में जिंदगी बचाने की लड़ाई लोगों को कयामत याद आई। जिस बात का डर था वो आ गया है, क्योंकि अब अरब सागर से उठा तूफान पिपरजॉय गुजरात के समुद्री तट से टकरा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर कल्पना कर सकते हैं कि जहां दुकानें हुआ करती थी वहां इस प्रकार से ऊंची लहरें और जो बारिश का पानी है, तेज पानी है, लहरें हैं, वो यहां तक पहुंच रही हैं। लैंडफॉल के बाद तबाही का मंजर दिखना शुरू हो चुका है। जगह जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरे। ये दुकान जो वहां पर रखी हुई थी, जो ये बीच पर जो दुकानें होती हैं, ये वो थी, और वो लहर अपने साथ उसको एक जगह से दूसरी जगह ले गई है। और जिस तरीके से यहां पर जो सामान रखा हुआ था वो भी लगातार बहता जा रहा है, और इसी वजह से ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। समुद्री तटवर्ती जिलों में हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खौफ भर रही हैं। समुद्र में उठ रही लहरें 5 मीटर तक ऊंची जा रही हैं। मौसम विभाग ने पहले ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर रेड अलर्ट जारी किया था। हवा की रफ्तार जितनी तेज है उतनी ही तेजी से बारिश भी हो रही है। सड़क थोड़ा मेरे पीछे देखिए, जहाँ बारिश की बूंदें पड़ रही है हवाओं की वजह से, देखिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है। बहुत तेज हवाएं चल रही है। हवा की गति का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। वही इस मुश्किल वक्त में सेना के जवान, NDRF और SDRF के जवान हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन तूफान ने जो तबाही मचाई है उसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है।